वेलकम टू जयंती किचन क्वीन। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हमारे फैमिली और जयंती किचन क्वीन की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल माय व्यूअर एंड सब्सक्राइबर। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है वैलेंटाइन डे स्पेशल रेसिपी। और आज के दिन हम लोग अपने शमवन, अपने वैलेंटाइन, अपने हस्बैंड के लिए कुछ खास बनाते हैं और उन्हें इस तरह के प्रेजेंट या फिर गिफ्ट, जो भी कह सकते हो फ्रेंड्स, हम लोग देते हैं। तो आज हमने अपने हस्बैंड के लिए कुछ इस तरह का गिफ्ट बनाया है। और ये जो केक कटिंग होगा वो शाम में होगा, पोस्ट मैं ज़रूर कर दूंगी फ्रेंड्स। तो ये प्यारा सा वैलेंटाइन डे केक जो है वो आप लोग इस तरह से बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले केकटिंग को किस तरह से तैयार करना होता है, तो इसे तैयार करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑयल या फिर बटर आप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बटर लिया है 1/2 टेबल स्पून। और इसे अच्छे से ग्रीस करना है, तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स अपने हाथों की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप अगर आपके पास इको बेक है तो आप यहाँ पे इको बेक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होता है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैदा ले लिया, यानी कि 4 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। और इसे अच्छे से डस्ट करनी है, और यहाँ पे केयरफुली फ्रेंड्स अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे आपका फिंगर टच नहीं होना चाहिए, और एक्स्ट्रा जो भी मैदा था मैंने अलग कर लिया। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक बाउल लिया है, और यहाँ पे मैंने 2.5 ml वाले हमारे जो कप थे उससे हमने 2.5 कप यहाँ पे रेड वेलवेट प्रीमिक्स लिया है। और ये जो प्रीमिक्स है फ्रेंड्स वो मॉडे कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो प्रीमिक्स। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी मैंने ऐड किया है। तो फ्रेंड्स मैंने 250 ml वाले कप से ही 1 कप पानी लिया है भर के, और यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी को मैंने ऐड करनी है। और कट एंड फोल्ड करके इस बैटर को तैयार करना है। रिवन कंसिस्टेंसी का इस बैटर का होना चाहिए टेक्सचर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़े से मुझे पानी कम लग रही थी, तो फिर से मैंने पानी थोड़ा सा और डाल दिया है। और इसे कट एंड फोल्ड करके ही इस बैटर को तैयार करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स पानी की जो क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पे 250 ml पानी जब मैंने लिया था तो थोड़े से पानी हमारे यहाँ पे बच गए थे, तो यहाँ पे केयरफुली आप थोड़े थोड़े पानी को ऐड करके एक स्मूथ, डेट मीन्स रिवन कंसिस्टेंसी का यहाँ बैटर तैयार करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सफोला गोल्ड यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून यानी कि 2.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल फ्रेंड्स किसी भी साफ स्मेल का नहीं होना चाहिए, और आप यहाँ पे राइस ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल यूज़ कर सकते हो। यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना है, और कोई भी साफ स्मेल ऑयल यहाँ पे ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने सफोला गोल्ड यूज़ किया है, और हमारा जो बैटर था वो रिवन कंसिस्टेंसी का हो चुका है। और मैंने यहाँ पे जो हमारे केक टिन जो तैयार किया था उसी केक टिन में सारे बैटर को अच्छे से यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जब बैटर को आप केक टिन में डालोगे तो यहाँ पे आप टैप टैप जरूर कीजिएगा। टैप टैप करने से फ्रेंड्स वहाँ के एयर बबल वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे 5 मिनट के लिए पतीले को हमने प्रीहीट कर लिया था, और इसकी लीड को हमने हटा दिया। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने केक टिन को रख दिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे लीड लगा देनी है, और इसे 30-35 मिनट के लिए इसे बेक करना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो हमने 30-35 मिनट के लिए इसे बेक कर दिया, और 35 मिनट के बाद हमने लीड को हटाया। तो ये देखिए हमारा केक कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हो नाइफ को जब हमने इंसर्ट किया है तो ये नीट एंड क्लीन बाहर आया है। तो फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी, डेट मीन्स वैलेंटाइन डे स्पेशल रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने केक को डीमोल्ड करना है, तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रहने दीजिएगा। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो इसे नाइफ की हेल्प से आप इसे डीमोल्ड कर लीजिएगा। और ये देखिए इसका स्पॉन्ज कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप थ्रेड से या नाइफ की हेल्प से इसे बराबर पार्टों में इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। मैंने ऊपर वाले पार्ट को कट कर लिया है, क्योंकि इसका पार्ट जो है फ्रेंड्स ऊपर वाले पार्ट को हमें डेकोरेशन में लाना है, और नीचे से हमने, डेट मीन्स नीचे जो हमारा बेस जो बच गया है यहाँ पे हमें 2 कट लगाकर इसे 3 लेयर में कट करना है। और यहाँ क्रीम चीज बनाने के लिए हमने 120 ग्राम पनीर लिया है। यहाँ पे 4 टेबल स्पून हमने मिल्क ऐड किया है, और 1 पिंच हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। और इसे लीड लगाकर स्मूथ इसे पेस्ट तैयार कर लेनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको मिल्क की क्वांटिटी कम लग रही है तो फिर से इसमें 2-4 टेबल स्पून इसमें मिल्क ऐड कर दीजिएगा। मैंने 4 टेबल स्पून फिर से मिल्क ऐड करके इसे स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये जो क्रीम चीज़ है फ्रेंड्स जब आप क्रीम में ऐड करोगे तो आपका जो रेड वेलवेट केक जो है वो माइंड ब्लोइंग बन के तैयार होता है। यहाँ पे
क्रीम चीज़ को बाउल में हमने निकाल लिया और यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, ये जो क्रीम चीज़ है इसे आप ब्रेड में या फिर पराठे में आप स्प्रेड करके बच्चों को खिलाओगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और इस क्रीम चीज़ को फ्रेंड्स आप 6 से 7 दिन के लिए फ्रिज में आप स्टोर भी कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्रीम चीज़ कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है। इसके ऊपर हमने लीड लगा देनी है और 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में हमने रख दिया है। फ्रेंड्स, ये है हमारे स्टार विप का मैंने क्रीम यूज़ किया है और पहले मैंने इस क्रीम को यूज़ कर लिया था और किस तरह से इसे यूज़ करने के बाद इसे बंद करके रखा जाता है वो मैंने पिछले वीडियो में डाला है, ज़रूर जाके देखिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 250 ml वाले कप लिया है और इससे हमने 2.5 कप क्रीम लिया है। तो फ्रेंड्स, क्रीम जब आपको यूज़ करनी है तो डीप फ्रीज से निकाल के आप फ्रीज में रख दीजिएगा, ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाता है। फिर से हमने ये इसकी जो रैप थी इसे अच्छे से रैप कर दिया, रबड़ लगा दिया और एक पोली बैग में डालकर इसे डीप फ्रीज में फिर से रख देनी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है और इससे क्रीम को अच्छे से व्हिप करना है जब तक कि हमारे क्रीम में स्ट्रिप पिक्स नहीं आने लगे। और ये देखिए इस तरह से हमने पहले लो, फिर मीडियम, फिर हाई फ्लेम पे इस तरह से इसे व्हिप करना शुरू किया है। 70% आपके क्रीम जब अच्छे से व्हिप हो जाए तो क्रीम चीज़ इसमें ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड्स और उसे भी अच्छे से क्रीम में मिक्स करना है। तो मैंने क्रीम चीज़ को मैंने इसमें डाल दिया है और फिर से इलेक्ट्रिक बीटर इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ पे हाई स्पीड में इसे इस तरह से मैंने बिप करना शुरू किया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अच्छे से हमारे क्रीम चीज क्रीम में अच्छे से मिक्स हो गए थे और ये देखिए इसकी स्ट्रिप पिक्स कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स, बाउल को जब आप पलट के देखोगे तो आपका जो क्रीम जब परफेक्ट बन के तैयार होगा तो नीचे की ओर नहीं आएगा, डेट मीन्स हमारा क्रीम इस तरह से बन के तैयार हो गया। मैंने 2 बाउल में इसे ट्रांसफर कर लिया है, एक को हमने फ्रिज में रख दिया है और एक को अभी मैं क्रम कोट करूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 1/2 कटोरी पानी लिया है, यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने पाउडर शुगर लेके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने रोटेटिंग टेबल पे एक केक बोर्ड रख दिया है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने थोड़े से क्रीम को इंसर्ट कर लिया है और फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज का रख दिया है ताकि आपके जो बेस है इधर उधर खिसकेगा नहीं, इसलिए हमने थोड़े से क्रीम को पहले नीचे इंसर्ट कर दिया था केक बोर्ड पे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने चीनी और पानी से इसे अच्छे से सोक कर देना है। फ्रेंड्स, तो सोकिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके स्पॉन्ज जो है बहुत ही अच्छे बन के वहाँ तैयार होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पाइपिंग बैग में क्रीम को ले लिया है और यहाँ पे थोड़े थोड़े क्रीम को इस तरह से हमने राउंड राउंड करके पैलेट नाइफ से इसे स्मूथ कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हो तो आप पाइपिंग बैग में ही क्रीम को फिल करके आप इस तरह से अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो क्रीम है वो इवेनली चारों तरफ से स्प्रेड हो जाता है। और अगर आप अच्छे से जब क्रीम अप्लाई करना सीख जाते हो तो आप पैलेट नाइफ से भी अच्छे से क्रीम को अप्लाई करके आप स्मूथ कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी फर्स्ट लेयर अच्छे से यहाँ कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने सेकंड लेयर को इस तरह से रख दिया है, डेट मीन्स स्पॉन्ज के सेकंड लेयर को मैंने रखा है। इसे भी हमने अच्छे से चीनी और पानी का जो हमारा मिक्सचर वहाँ पे तैयार हुआ था इसे अच्छे से हमने सोक कर लिया है। फिर से इसके ऊपर हमें क्रीम अप्लाई कर लेनी है और पैलेट नाइफ से इस तरह से इवन कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ये देना चाहूँगी कि यहाँ पे क्रीम चीज़ जो है यहाँ भर भर के आप लगाओगे, क्योंकि रेड वेलवेट केक का यही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि जब इसमें क्रीम चीज़ डेट मीन्स क्रीम जब इसमें भर भर के इसमें जब डाला जाता है और क्रीम का लेयर जब कट होता है तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग यहाँ पे वो खाने में भी लगता है और देखने में भी उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह से हमने 3rd स्पॉन्ज को भी ऊपर से रख दिया है और चीनी पानी के मिश्रण से इसे सोक कर दिया है और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने फिर से क्रीम को अप्लाई कर दिया है और पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से स्मूथ कर देनी है। फ्रेंड्स, साइड की जो लेयर है उसे इसी टाइम में क्रम कोट अच्छे से कर लीजिएगा और क्रम कोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है फ्रेंड्स, क्योंकि क्रम कोट करने से आपका जो स्पॉन्ज है वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे भी क्रीम में एक दूसरे से चिपक जाता है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसे क्रम कोट हमने कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मुझे वैलेंटाइन डे केक भी बनाना था और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था और मुझे वीडियो भी अपलोड करना था और वीडियो एडिटिंग भी करना था, इसलिए हमने 10 मिनट के लिए केक के डेट मीन्स क्रम कोट किए हुए केक को हमने 10 मिनट के लिए रख लिया था फ्रीज में। आप आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखिएगा और 10 मिनट के बाद हमने इसे निकाल लिया है। फ्रिज से इस पर क्रीम को अप्लाई करके पैलेट नाइफ से इसे स्मूथ किया
यहाँ पे फ्रेंड्स हमने स्क्रैपर्स की हेल्प से इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है। तो स्क्रैपर फ्रेंड्स आप घर पे एटीएम कार्ड या फिर कोई भी स्टिक फाइल को कट करके आप बना सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी कि उसे किस तरह से बनाया जाता है। और ये देखिए उसी स्टिक फाइल से हमने इसे कट किया था और इसे इस तरह से स्मूथ करना शुरू किया है। फ्रेंड्स ये जो स्क्रैपर से जब आप स्मूथ करोगे तो आपका केक जो है बहुत ही अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है और स्मूथ भी हो जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पैलेट नाइफ लिया है और ऊपर की यानी टॉप लेयर को मैंने इस तरह से स्मूथ करना शुरू किया है। और ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स आप बार बार जब करोगे तो अच्छे से आप इस तरह से इसका जो बेस है इसे स्मूथ किस तरह से किया जाता है वो आप सीख लोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और यहाँ पे फिर से हमने स्क्रैपर लिया और इसे अच्छे से हमने फिर से इसे नीट एंड क्लीन कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स पैलेट नाइफ जब आप क्रीम पे अप्लाई कर रहे हो या फिर स्क्रैपर तो हमेशा उसे साफ कीजिएगा फिर आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऊपर वाले डेट मीन्स टॉप वाले लेयर को हमने जो कट करके निकाला था उसे इस तरह से हमने बुरादा बना लिया है और इस तरह से हमने साइड से डिजाइन दे दिया है टूथपिक से। और ऊपर रेड वेलवेट का जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स इस तरह से हमने देना शुरू किया है। तो यहाँ पे हमने बुरादा यानी रेड वेलवेट का बुरादा हमने दे दिया है। यहाँ पे हमने बास्केट नोजल लिया है नूर का और पाइपिंग बैग में इसे मैंने डाल लिया है। क्रीम को भी मैंने डाल लिया है और इसे बास्केट के जैसा डिज़ाइन देनी है। तो दिखाए गए वीडियो में देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। पहले टॉप टू बॉटम मैंने लाइन दो इस तरह से ड्रॉ किया, उसके बाद बाएं से यानी कि लेफ्ट से हमने राइट गया, उसके बाद फिर ऊपर से टॉप से हम लोग बॉटम में आए। बस यही डिजाइन होती है बास्केट का। और बास्केट नोजल आप जब ले लोगे फ्रेंड्स तो आराम से ये डिजाइन इस तरह से बन जाती है। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी डिजाइन था इसलिए मैंने इसमें दिया, बहुत ही प्यारा लुक बन के तैयार होगा आगे आप देखिएगा। और इसी तरह से नीचे के जो किनारे हैं वो टोटल हमने बास्केट का इस तरह से हमने डिजाइन दिया है, बहुत ही प्यारा ये केक बन के तैयार हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी नोजल हमने लिए थे नूर का लिया था और ये इस तरह से हमारी जो डिजाइन है इस तरह से बनती जा रही है टॉप टू बॉटम, उसके बाद लेफ्ट से हमने राइट इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद फिर से टॉप टू बॉटम हमने किया। डेट मीन्स ये डिज़ाइन जो है बास्केट डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही सिंपल है तो आप इसे इस डिज़ाइन को आप अपने तरीके से और भी ज़्यादा या फिर दूसरे कलर में भी कर सकते हो। और इस तरह से हमारा जो बास्केट का जो कह सकते हो रेड वेलवेट केक जो है जो हम अपने समवन यानी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया कुछ इस तरह से बन के तैयार होता जा रहा है। और यहाँ पे हमने नूर का एन टू नोजल लिया है और उसी से हमने स्टार इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ किया है और उसी से हमने रोज़ भी यहाँ पे बना लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पहले स्टार स्टार पहले दिया, उसके बाद फिर हमने इस तरह से रोज़ का पैटर्न यहाँ पे मैंने दिया। तो दो रोज़ हमने एन टू नोजल से बनाया था नूर के एन टू नोजल से और बाकी जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन दिया है वो नूर का 2D नोजल था उससे मैंने फिर इस तरह से स्टार दिया और लास्ट का जो दो रोज है मैंने इस तरह से ड्रॉ किया और लास्ट में उसी नोजल से मैंने फिर से इस तरह से स्टार दे दिया। फिर से हमने बास्केट नोजल लिया फ्रेंड्स और साइड के जो किनारे बचे हुए थे उससे हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। वो वीडियो शूट नहीं हुई फ्रेंड्स क्योंकि उस समय मेरी लाइन चली गई थी, डेट मीन्स हमारे घर की बिजली चली गई थी। और ये इस तरह से केक बन के तैयार हुआ, जब लाइन आई थी तो मैंने इसकी वीडियो इस तरह से बनाई। कुछ रील्स है जो मैंने इंस्टा और फेसबुक पर भी डाला है, जरूर जाके देखिएगा, वहाँ भी जयंती किचन क्वीन से ही बन के तैयार है। और फ्रेंड्स ये हमारी वैलेंटाइन डे स्पेशल केक कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है जो आप अपने शमवन को अपने हस्बैंड को या फिर अपने वैलेंटाइन को इस तरह से बना के दे सकते हो। बहुत ही प्यारा सा ये हॉट लुक बन के तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा वैलेंटाइन डे केक जो बहुत ही प्यारा सा है। तो फ्रेंड्स खाते रहिए खिलाते रहिए और खुश रहिए, मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।